बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 5। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे एंड आप लोगों ने अपना काम भी किया होगा जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत इजी सा काम किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था हमने, ऐसे ही है ना? राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, काफ़ी सारे एंगल्स हमने डिस्कस किए थे और मैंने आपको बताया भी था कि कौन सा एंगल कौन सा होता है, ऐसे ही है ना? अगर आपने घर में दोबारा से कुछ उसको टच किया हो तो आपको भी एंगल्स का याद होगा कि कौन कौन से एंगल्स थे, ठीक है? आज हम करेंगे 7.2। बुक्स ओपन करें, सब लोग अपनी अपनी नोटबुक साथ खोलें और अपनी ज्योमेट्री डी प्रोटेक्टर और कंपस पेंसिल रेजर शॉर्पनर स्केल, ज्योमेट्री की जो तमाम चीज़ें हैं वो अपने साथ रखें ताकि हम लोग अपना काम शुरू कर सकें, ठीक है? ज्योमेट्री ओपन करें जल्दी से। 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, ठीक है? ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करनी है। फर्स्ट वन इज तीन, अब ट्राइंगल में तीन ही साइड्स होती हैं आपको पता है, तीन साइड्स हैं, मेजरमेंट ए बी, मेजरमेंट बी सी एंड मेजरमेंट सी ए। तीनों की उसने आपको मेजरमेंट्स दी हुई है कि कितनी कितनी मेजरमेंट्स है। ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है एंड सी ए 5 सेंटीमीटर है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसकी ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर की बेस। स्केल पकड़ें, सेंटीमीटर्स ओपन करें, जीरो से मार्क करना स्टार्ट करें, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 पे स्टॉप कर दें। 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट मांगी थी ना, 6 पे स्टॉप। नीचे लिख दें कि 6 सेंटीमीटर ए बी, ये हमने क्या ड्रॉ किया है, ए बी ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर। साथ साथ इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स देखते रहे। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि ड्रॉ किया मेजरमेंट ए बी कितने की, 6 सेंटीमीटर की। तो फर्स्ट स्टेप भी यही होगा कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में कि ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जो जो स्टेप्स मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ वही स्टेप्स इन केस ऑफ रिटन फॉर्म मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है? आपने ये वाले स्टेप्स मेरे साथ साथ करने हैं तो आपकी ट्राइंगल कंप्लीट होगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। तो जो जो स्टेप मैं कर रही हूं वन बाय वन आप भी वो स्टेप करें मेरे साथ, ठीक है? नेक्स्ट वन इज बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बी सी 4 सेंटीमीटर है। कंपस पकड़े सब लोग अपनी। कंपस पकड़ने के बाद आप लोग क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का स्केल पे कंपास रख, ये स्केल रखा, ये देखें कंपास खोली, कंपास पे 4 सेंटीमीटर पे आपने खोला, ये जीरो पे रखा एक पॉइंट और एक पॉइंट रखा, दो पॉइंट्स है ना इसके कंपास के, एक पॉइंट को रखेंगे जीरो पे, एक पॉइंट को रखेंगे 4 पे, ठीक है? दो पॉइंट्स पे रख के मैंने कंपास खोली 4 सेंटीमीटर की। अगेन देख ले, स्केल पकड़े, कंपस पकड़े, कंपस के दो पॉइंट्स हैं, वन इज दिस एंड अदर वन इज दिस। एक पॉइंट मैं रखूंगी जीरो पे और सेकंड को मैं करते करते कहाँ ले आऊंगी, 4 पे, ठीक है? होप सो आप सबको कंपस खोलनी आ गई होगी कि कैसे खोलनी है मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग। खोली 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर खोलने के बाद
बी सी था 4 सेंटीमीटर, तो मीन्स के बी बी पे रखें इसे, और ये सी पे मैंने इसको मार्क कर दिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का मार्क करने के बाद आपने अभी उस पॉइंट को कोई नेम नहीं देना, क्योंकि हमें एज सच कोई पॉइंट नहीं मिला अभी, जस्ट इसको आर्क रहने दें ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट में आपको सी ए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अगेन स्केल पकड़ेंगे आप, स्केल पकड़ने के बाद कंपास पकड़े, एक पॉइंट रखेंगे 0 पे और एक रखेंगे 5 पे। 5 सेंटीमीटर की कंपास खोल ली, सी ए था तो मीन्स के ए पे रखेंगे, और ये लगा दी 5 सेंटीमीटर की आर्क। ठीक है, दो आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही है, बल्कि स्टेप्स देख लें हम। पहला मैंने स्टेप ये किया था ना, ये वाला, टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ए को करके हमने 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ की थी आर्क। टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ एन अदर आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, और बी को करके 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ की थी। जहां पे ये पॉइंट्स कट होंगे उस पॉइंट को नेम दे देंगे सी का। विच कट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पे कट कर रहे थे, ठीक हो गया। लास्ट स्टेप, ज्वाइन सी विद ए एंड बी 1 by 1। क्या करेंगे, सी को ज्वाइन करेंगे पहले ए से बी से, देन ए से, जिससे मर्जी पहले कर लें। अगर आप पहले ए से करना चाहते हैं तो पहले ए से कर लें, बाद में लिखेंगे 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपकी जो थी ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। लास्ट में लिख दें, दस ट्रायंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, अगर आप में से किसी को समझ नहीं आई इसकी, तो आप अगेन वीडियो को रीप्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, कंपास खोलने का तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि कंपास खोलने का तरीका क्या है। अगर आपको कंपास खोलने का तरीका आता है, उससे आगे तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है उससे आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें ज़रा, पार्ट नंबर 2 आपने खुद से करना है। नेक्स्ट मैं आपको करवाती हूँ इसका पार्ट नंबर 3। ये नोट डाउन कर लें सब लोग जल्दी से, ताकि मैं आपको पार्ट 3 करवा सकूँ। पार्ट नंबर 2 होमवर्क है, 3 वाला मैं करती हूँ, इसको मैं रेस कर रही हूँ। मेजरमेंट सिर्फ चेंज होंगी, बाकी सारा काम एक ही है। ये स्टेप्स भी सेम ही है, सिर्फ इनमें मेजरमेंट चेंज करनी है यहाँ पे, और ये नेम्स चेंज करने हैं। थर्ड वाले में देखें जरा, थर्ड क्वेश्चन क्या है। मेजरमेंट एल एम इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट MN is equals to 4.5 centimeter और measurement LN is equals to 4 centimeter। ठीक है, ये चीज़ दी हुई है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले LM है, अब मैं इन्हीं स्टेप्स को चेंज करूंगी इस क्वेश्चन के साथ, और आपने बड़े गौर से देखना है।
बिकॉज जो अगले क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको होमवर्क में देने हैं उनके स्टेप्स आपने खुद से लिखने हैं, तो आपने गौर से देखने हैं मैं क्या क्या चेंजिंग कर रही हूँ इन स्टेप्स में। मेजरमेंट एल एम 5 सेंटीमीटर, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, ठीक है, 5 सेंटीमीटर एल एम, एल एम 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद हम लोग वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में क्या लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में मैं यहां पे सिर्फ ये चेंजिंग करूंगी कि ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट ए बी को रेज करके एल एम लिखूंगी, बिकॉज मैंने अब क्या ड्रॉ किया है, एल एम, एल एम, और 6 सेंटीमीटर की नहीं मैंने 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें जरा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमने, नेक्स्ट स्टेप में हमने आर्क ड्रॉ करनी है, तो हम लोग स्केल पकड़ेंगे सबसे पहले, और पकड़ेंगे हम लोग कंपस, ठीक है। एल को सेंटर लेके हमने फोर्स, एल एल वाला कहाँ, ये रहा एल और एन, तो एल पे 4 सेंटीमीटर की बनेगी, स्केल पकड़ा आपने, कंपस पकड़ी, दो पॉइंट्स हैं इसके कंपस के, एक पॉइंट को 4 पे और एक पॉइंट को 0 पे, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से ही होनी है, और दूसरा पॉइंट वहां पे आएगा जहां पे ये पॉइंट जा रहा है, 4 है तो 4 पे, एल पे रखा, और ये लग गई आपकी 4 सेंटीमीटर की आर्क, ठीक हो गया। एम एंड एन, एम पे कितने की आ रही है, 4.5, सेम एज इट इज, 4 है जहां पे, उससे आगे लाइंस काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, तो ये 4.5 की ये लाइन लगा दी, ठीक है। ये करने के बाद आप लोगों ने स्टेप्स में अब चेंजिंग क्या करनी है, टेकिंग ए एज सेंटर, नो, हमने यहाँ पे पहले किसको सेंटर लिया है, एल को, तो मैं लिखूंगी टेकिंग एल एज सेंटर ड्रॉ एन आर ऑफ रेडियस, कितने रेडियस की बनाई है एल को लेकर, 4 सेंटीमीटर की, तो 5 की जगह 4 सेंटीमीटर, ओवर ए बी, नो, ओवर एल एम पे बनाई है तो ओवर एल एम, ठीक है। थर्ड वन इज टेकिंग बी एज सेंटर, नो, सेकेंडली मैंने एम को लिया था तो बी को रेज करके एम एज सेंटर, ड्रॉ एन अदर आर्क ऑफ रेडियस, एक और आर्क ड्रॉ करनी है, किस रेडियस की, 4.5 की थी, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 4.5 सेंटीमीटर ओवर, नॉट ए बी, एल एम, एल एम पे ड्रॉ करें ना, हम सारा काम एल एम पे करें अब, विच कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट एन, ठीक है। तो यहां पे जिस, जहां पे इन्होंने कट किया उस पॉइंट को क्या नेम दे देंगे, एन का, ज्वाइन, पॉइंट का नाम एन था तो एन विद एल एन एम 1 by 1, तो ज्वाइन करें इनको, ज्वाइन किया विद एल एंड विद एम। अब यहाँ पे आप लोगों ने इनके स्पेशली लिखनी है यहाँ पे कि इनके लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 10 ट्राइंगल एल एम एन इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी जो आपको उसने क्वेश्चन नंबर 3 में मांगी थी, और ये साथ देखें सारे इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी सेम एज इट इज। मैंने क्या चेंज किया, सिर्फ आपके सामने पॉइंट्स के नेम्स,
पॉइंट्स की मेजरमेंट्स, बाकी सारे स्टेप्स एज इट इज है, ठीक है। इसका पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर फोर, पार्ट नंबर फाइव और पार्ट नंबर सिक्स मैं यहां पे लिख भी रही हूं। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप लोगों ने इसको अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन कर, सॉरी नोटबुक्स पे काम करना है ये वाला आप लोगों ने। सेकेंडली, अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आती तो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि मैथ्स है, एक बार में समझ नहीं भी आती तो आप बार बार वीडियो को रिपीट करके देखें। जिस पॉइंट से नहीं समझ आती उस पॉइंट से बार बार देखें कि मैंने कैसे एक्ट किया है, मैंने आपके सामने कैसे परफॉर्म किया है। मेरे परफॉर्म किए हुए को आप खुद से ट्राई करना शुरू करें, ठीक है। ज्योमेट्री है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप ये काम कैरी आउट नहीं कर सकते। बल्कि मैथ्स का तो कोई भी काम हो तो आप खुद से कैरी आउट नहीं कर सकते जब तक आप प्रैक्टिस ना करें, और ये तो फिर ज्योमेट्री है। तो होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है मैथ्स की प्रैक्टिस की, स्पेशली ज्योमेट्री की प्रैक्टिस की। इसलिए जितना हो सके मैथ की प्रैक्टिस किया करें। ये जो ज्योमेट्री का होमवर्क है ना, ये आप लोगों ने लाजमी करना है, और सबके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने हैं आपने, जैसे मैंने लिखे हुए ना ये साइड में, ये सारे स्टेप्स आपने लिखने हैं, ठीक है। और इनको लिखना है तो आप लोगों ने जो वहाँ पे इनके नेम्स पॉइंट्स के दिए हुए ना, वही पॉइंट्स यूज़ करने हैं। इसके अलावा जो मेजरमेंट्स दी हुई हैं आपने, जो ट्राइंगल बनाई है उसमें आपने उनकी वो सारी मेजरमेंट्स भी लिखनी है, ठीक है। तो अपना काम कंप्लीट कीजिएगा, साथ साथ कर लिया करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैथ्स है आप लोग बाद में इसको कवर नहीं कर सकते। साथ साथ करेंगे तो आपके लिए भी बेहतर रहेगा और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इस वजह से जितना जल्दी हो इसको मैथ को साथ साथ किया करें, ठीक है। डेली का काम डेली कर लिया करें ताकि आपको फिर आगे प्रॉब्लम ना हो, और जितना ज़्यादा हो सके घरों में रहें। अपने पेरेंट्स से भी कहें कि वो घरों में रहें, यही आप सब के लिए भी बेहतर है और हम सब के लिए भी बेहतर है, ठीक है। तो अपना डेली काम कंप्लीट कर लिया करें। मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ कि मैथ्स का काम पेंडिंग मत छोड़ा करें, और कोई बात नहीं समझ में आती तो वीडियो को रिप्ले करके देख लिया करें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरन। अल्लाह हाफिज़।